हेलो एवरीवन, यार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी एनालिसिस करने में प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज जो जब से वो प्राइवेट स्कैम वाला वीडियो बनाया गया है ना, फेक कॉलेज लिस्ट करके। तो स्टूडेंट का पहला क्वेश्चन क्या है यार, वो ये है कि सर प्राइवेट कॉलेज लिस्ट जो हम देखना चाह रहे हैं, प्राइवेट परमिटेड कॉलेज लिस्ट, वो हमको कहाँ से मिलेगी? परमिटेड कॉलेज लिस्ट जो कि NCISM अप्रूव्ड हो, यार NCISM से अप्रूव्ड हो, है ना। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज क्या करता है या जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस PDF को एडिट करके कुछ पिछले साल का दिखा देंगे या कुछ इस बार का दिखा देंगे। एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, तो आप बिल्कुल मत आना, बिकॉज जैसे 2021 की जो काउंसलिंग होती है तो बहुत बार 2022 तक कॉलेज का परमिशन आती रहती है, तो उसमें ये सेशन लिखा होता है 21-22, और जो इस बार का सेशन है वो 22-23 है, तो इस पे कंफ्यूज मत होना। तो इस बार के जो ऑफिशियल लेटर है उसमें 22-23 लिखा होगा, और उसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कहां पर क्या कॉलेज लिस्ट है, है ना। तो उसके लिए सिंपली आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। NCISM की जो ये जो वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें सारा डेटा, इस पे सारी चीज आपको मिल जाती है। NCISM में आप यहां पे जाएंगे, परमिशन स्टेटस, आयुर्वेदिक कॉलेज या जो भी कॉलेज होंगे वो सारे कॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आयुर्वेदिक देखना है, आयुर्वेदिक देख लो। आपको जैसे लास्ट ईयर के देखने हैं तो आप लास्ट ईयर के देख लो, 2022-2023 सेशन देखो। 21-22 के सेशन के लिए आप देख के क्या करोगे वो आपके किसी काम के नहीं है। हो सकता है बहुत सारे कॉलेज ऐसे हों जिनकी पिछले साल परमिशन आई थी, इस बार नहीं आएगी, और UP वाला मसला तो आपको पता ही है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है जिसमें डिसक्वालीफाइड स्टूडेंट के एडमिशन्स भी हुए थे या जो भी गड़बड़ी हुई थी। अब यहाँ पर देखो, अभी एक कॉलेज लिस्ट आई, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, तो इसमें ऑलमोस्ट पूरी एक लिस्टिंग दे रखी है ना, तो वो आप लोग देख सकते हो। इस लिस्ट के थ्रू अभी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, जैसे हरियाणा के एक कॉलेज आ चुका है, श्री मारू सिंह मेमोरियल, ये तो गवर्नमेंट है। अगर प्राइवेट में देखना चाहोगे तो अभी गुजरात का एक आया है ना। तो जो भी कॉलेज हैं उनकी परमिशन की डेट ऑफ परमिशन, तो उनका प्रॉपर डेट दिया हुआ है ना, उसके बाद में कितने का इनटेक है, सारी डिटेल दी हुई है। तो इस पर एक मैंने लिस्ट बनाई थी, और आप इस वाली PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कर्नाटक में देखो कॉलेज का जैसे आ गया परमिशन, अब हरियाणा में एक आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज है, उसका अभी का 50 का परमिशन मिला है, कंडीशनल परमिशन विद 50। तो ये सारी चीज़ें ना पढ़ लो यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, देन क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, किसके बेसिस पे परमिशन मिली है, कहीं कोर्ट वाला कॉलेज तो नहीं है, है ना। तो उसमें थोड़ा सा बहुत लंबा खींच जाता है, स्टूडेंट का बहुत लॉस होता है, तो मोस्टली ये सारी प्रॉब्लम रहती है। और आपको इस वेबसाइट से एक तो देखना है, दूसरी वेबसाइट एक ये है जो कि नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक की है। तो जो इस बार का शेड्यूल आया है वो भी इसी वेबसाइट पे आया था, लेकिन उन्होंने जो कंप्लीट सोर्स रखा हुआ है अभी भी CCC। अब बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है, सर क्या ये CCC वाला शेड्यूल, वेबसाइट तो अभी अपडेट नहीं हुई आप बोल रहे हो, उस पर जाके देखो। तो यार ये अपडेट हो जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब उसके बाद मोस्टली होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, आयुष काउंसलिंग आपने सर्च किया, ठीक है ना, बहुत सारे पोर्टल होते हैं मोस्टली, है ना। तो जैसे CCC आएगा, उसके बाद में देखो AyushCounseling.in, तो ये कोई एक ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, अनऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने अंदर दे भी रखा है। तो मोस्टली होता है कि डेटाबेस कंपनीज होती हैं वो अपना डेटाबेस यहाँ से क्रिएट करती हैं। तो देखो ये वीडियोस भी आ रहे हैं, उसके बाद में Shiksha.com, तो यार ये बड़ा पोर्टल है, तो इस तरह शिक्षा हो गया, Career360 हो गया, कॉलेज दुनिया हो गया, तो लगभग सब में एक डेटाबेस पड़ा होता है। तो सिमिलर जो आयुष काउंसलिंग वाला है, तो देन वो भी एक इसी तरह का पोर्टल है। तो जो भी ऑफिशियल है वो CCC.in, और मैं आपको ना सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सारे स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो बस। तो वीडियो आज के यहीं तक, और आई होप वीडियो पसंद आई होगी। इसमें ऑफिशियल वेबसाइट का जो भी ऑफिशियल ऑथेंटिक डेटा है, बच के एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में लेना है, मेरिट बेस पे लेना है, कहीं पे इधर उधर रिडायरेक्ट नहीं हो जाना है। कोई अगर आपसे ऐसा कह रहा है कि डोनेशन से एडमिशन मिलेगा, तो यार बिल्कुल नहीं मिलने वाला, गलत है एकदम। तो वीडियो आज के यहीं तक, वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो, और एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी दे रखा है। तो जो भी लोग यार मेरी टीम से हेल्प लेना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर एक मेरिट के बेसिस पे, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जो भी कॉलेज अलॉटमेंट उसको आ रहा होगा, वो आपको डेटा के बेसिस पे बता दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।